Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. We are going to study today COVID leaves orphan children vulnerable to trafficking, a topic that has shook the nation and also a very important topic when it comes to GS paper 4 in UPSC CSE mains, ethics, integrity and aptitude. A case study based question can be asked from all of you related to this topic. That is why we are going to dig deeper into this topic. We are going to understand the effects, the after effects of COVID as well. Right now, our country is not just facing the health related issues. We are also facing issues based on morality, issues based on children's safety. We are fighting not just COVID, but all the demons of human minds that have collected together and have attacked us. We are not going to blame any country right now because of COVID or this problem. We should also take responsibility for our own acts as well. किसी एक कंट्री को यू नो कर देना क्रिटिसाइज करना कि अरे इसकी वजह से हुआ, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना इसकी वजह से हुआ, हम खुद अपने आप को नहीं देख रहे हैं. एम्बुलेंस वाले बिना वजह एक एक लाख रुपए, छोटी से छोटी डिस्टेंस के लिए भी एक एक लाख रुपए चार्ज करें एक मरते हुए इंसान की फैमिली से. ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जगह फायर एक्सटिंग्विशर्स को बेचा जा रहा है पैसे बनाने के लिए. बच्चों के साथ गलत हरकतें हो रही हैं जिनके पेरेंट्स की किसी प्रकार कोविड के चलते डेथ हो गई है. तो ये सारे इंसान के खुद के अंदर छुपे हुए शैतान को भी तो दर्शाता है ना. तो दूसरों को क्रिटिसाइज करने से पहले हमें खुद अपने अंदर झांकने की जरूरत है इस वक्त कि हम क्या कर रहे हैं. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक टुडे. जैसे ही इंडिया बैटल कर रहा है इस वक्त सेकेंड वेव से, हम देख रहे हैं कि ऐसे केसेस भी सामने आ रहे हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स को खो दे रहे हैं कोविड 19 की वजह से. और ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं. छोटे बच्चे जो अपने आप को संभाल नहीं सकते, छोटे बच्चे जो अभी इनको आसपास का होश ही नहीं है, दो दो महीने के बच्चे, तीन तीन महीने के बच्चे, पांच पांच साल के बच्चे, तो इन केसेस की वजह से, क्योंकि उनके दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई है, उस वजह से हुआ क्या है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग स्टार्ट हो रहा है. चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रहा है इन द गार्ब ऑफ अडॉप्शन. And this has increased in the disguise of adoption. कहते हैं हम adopt कर रहे हैं और फिर बच्चे को लेकर बेच देते हैं आगे. Various social media posts they are getting circulated with details of children who have lost either both their parents or the only living parent to the disease and pleading for them to be adopted. And sharing such posts they are illegal. देखो आपको लग रहा है आप बहुत भलाई कर रहे हो किसी की कि ये बच्चा इस वक्त इसके पेरेंट्स नहीं है तो इसको अडॉप्ट कर लिया जाए, बट आपको पता नहीं है कितने शैतान इंसान के रूप में बैठे हैं जो आपके पोस्ट को पढ़कर उन बच्चों के साथ क्या करते हैं, फिर इसके बारे में आपको भी पता नहीं चलता और जिम्मेदारी किसकी आती है, आपके ऊपर आ जाती है. तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसे पोस्ट सोशल मीडिया पे ना करें. गवर्नमेंट हेल्पलाइन पे जाएं, एनजीओज हैं आपके, यू नो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, उस पे कॉल करें और वहां रिपोर्ट करें ऑफिशियली, ना कि इधर उधर कहीं भी पोस्ट डाल दिया पिक्चर्स के साथ बच्चों की. आपको नहीं पता कि इंसान के रूप में भेड़िए बैठे हैं जो मासूम बच्चों को भी हवस की नजर से ही देखते हैं, पैसा ही देखते हैं उनके थ्रू भी कि इसको बेच के मुझे चार पैसे मिलेंगे. आजकल इंसान, मानवता ने अपने ऐसा रूप दिखाया इस कोविड के दौरान. वैसे पहले से तो थे ही, दिख रहे थे हमें रूप, पर इस कोविड के दौरान इतना शैतानी रूप लोगों ने दिखाया है अपना जिसका कोई भी जवाब नहीं, जिसको आप कंपेयर नहीं कर सकते. शेयरिंग सच पोस्ट आर इलीगल अंडर सेक्शन 80 एंड सेक्शन 81 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 व्हिच प्रोहिबिट ऑफरिंग और रिसीविंग चिल्ड्रन आउटसाइड द प्रोसेस लेड डाउन अंडर द एक्ट एज वेल एज देयर सेल एंड परचेज. प्लीज अंडरलाइन दिस, इसको अपने जीएस पेपर 4 एथिक्स की केस स्टडी के लिए याद रखिएगा. सच एक्ट्स आर पनिशेबल विद 3 to 5 ईयर्स इन जेल और ₹1 lakh इन फाइन. And during this COVID lockdown, because of the police, everything, the healthcare workers, police, frontline workers, everybody are engaged right now in, in this distressed time, in this COVID situation, and they are diverted right now. So that is why in the garb of that, child marriages are also occurring. देखो, police वगैरह सब आज अभी इस वक्त COVID-19 से लोगों को बचाने में अभी लगी हुई है. राइट, तो लोग क्या कर रहे हैं पीठ पीछे, चाइल्ड मैरिजेस के केसेस इंक्रीज हो गए इस लॉकडाउन के दौरान. सब घर में है, कोई बाहर नहीं है, चोरी छुपे पता नहीं क्या कर रहे हैं. राइट, समझ आ रही है बात. तो आप यहां से देख सकते हो कि इंसान, आप दूसरी कंट्रीज को ब्लेम करना छोड़ो, आप खुद इंसान के रूप में, इंसान मानव कितना गिर रहा है. कंट्रीज को क्या ब्लेम करें, हम खुद अपने अगर गिरेबान में झांके तो हमें पता चलेगा कि इंसान किस हद तक गिर चुका है इस वक्त.
कुछ प्रोविजंस जान लेते हैं। ये प्रोविजंस जानने बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए केस स्टडीज के लिए। एंड ऑल्सो प्लीज अगर आपके पास सोशल मीडिया है, आप सोशल मीडिया पे हो किसी तरीके से, तो प्लीज इन प्रोविजंस को फैलाकर अवेयरनेस के रूप में स्प्रेड करना, ठीक है। लोगों को अवेयर करो कि यहाँ पर अगर आप सोशल मीडिया पे अंधाधुंध पोस्ट कर रहे हो ना बच्चों के बारे में, प्लीज उसे स्टॉप करो। आपको लग रहा है बहुत नेक काम कर रहे हो आप, बल्कि भविष्य बर्बाद कर रहे हो बच्चे का। इसलिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए अगर ऐसे किसी बच्चे का केस आपके पास आता है तो। प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन टू ऑर्फन चिल्ड्रन, देयर इज अ प्रोसेस एज पर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट व्हिच नीड्स टू बी फॉलोड विद चिल्ड्रन हु हैव बीन ऑर्फन्ड। फर्स्ट, इफ समवन हैज इंफॉर्मेशन अबाउट अ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर, देन दे मस्ट कॉन्टैक्ट वन ऑफ द फोर एजेंसीज, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमिटी और द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर और द हेल्पलाइन ऑफ स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्टेड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। Do not just jump onto your social media and just post pictures of that children and you know try to find their parents. No, अपने हाथ में इतना ज्यादा बड़ा दायित्व लेने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। इन हेल्पलाइन में से किसी भी एक हेल्पलाइन को आप कॉल करके उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड फॉलोइंग दिस द CWC, दैट इज द चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, विल असेस द चाइल्ड एंड प्लेस हिम और हर इन द इमीडिएट केयर ऑफ अ स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी विच इज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। The state thus takes care of all such children, जिनको protection की जरूरत है, care की जरूरत है, जो जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते तब तक उनकी जिम्मेदारी state लेगी। Once a child is declared legally free for adoption by child welfare committee, then adoption can be done either by Indian prospective adoptive parents or non-resident Indians or the foreigners in that order. That is the responsibility of the government. India has also accepted Hague Convention on Inter-Country Adoptions in 1993. So NRIs will also be allowed. The Central Adoption Resource Authority, that is CARA, it's a statutory body. इस पॉइंट को प्लीज प्रिलिम्स के लिए याद रखेंगे, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है आपसे, वो आपको स्टेटमेंट में नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी लिख सकते हैं, बट नहीं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, एक प्रिंसिपल एजेंसी है अडॉप्शन के लिए। तो दिस कारा रेगुलेट्स द अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन अबैंडन्ड सरेंडर्ड चिल्ड्रन, तो इट्स एसोसिएटेड और रिकॉग्नाइज्ड एजेंसीज, अपने एसोसिएटेड या अपने रिकॉग्नाइज्ड एजेंसीज के द्वारा गवर्नमेंट के इन्वेस्ट करने पर कारा जो है वो लीगली ये अडॉप्शन प्रोसेस कैरी आउट करती है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ तक। इसी से रिलेटेड लीगल प्रोटेक्शन भी इंडिया में अवेलेबल है। इन इंडिया देयर आर लीगल प्रोटेक्शंस आल्सो व्हिच आर अवेलेबल फॉर सच चिल्ड्रन, दैट इज द इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1986, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, जेजे एक्ट, ये तो आप जानते ही हो, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, दीज आर द अदर लीगल प्रोटेक्शंस व्हिच आर गिवन टू द चिल्ड्रन। Now, other initiatives that India has taken is, India has ratified the United Nations Convention on Transnational Organized Crime, which among others has a protocol to prevent, to suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, right? And these protocols are very famously known as Palermo Protocols. This you have to remember for prelims. They can ask you, Palermo Protocols is related to which of the following? So, one of the answer can be, to prevent, suppress and punish trafficking in person, especially women and children. वो आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो प्लीज याद रखना पलेरमो प्रोटोकॉल्स किससे रिलेटेड है। India has ratified South Asian Association for Regional Cooperation Convention also, चाहे ताकि women और children की prostitution में जो trafficking होती है उसको रोका जा सके। National Commission for Protection of Child Rights, NCPCR, it was also set up in 2007 under Commission for Protection of Child Rights Act 2005. And we have also ratified the UNCRC also. Okay, that you have to remember. Before we move forward, here's a small announcement for all of you. Unacademy is launching Unacademy Civil Services Championship, which is India's largest free scholarship test created by top educators of India for UPSC prelims 2021. Now, in this test, you are going to get free scholarship and you are going to get amazing prizes worth rupees 3 crore. This test will be conducted on 13th June from 10 a.m. to 12 p.m. And let us see what you are going to get. If you score from rank 1 to rank 50, then you are going to get guidance by the IAS officers themselves, like Abhishek Saraf sir, like Durga Shakti Nagpal ma'am, like Krishna Mohan sir, like Rakesh Verma sir. So, agar aap top 50 rank mein aate ho, to aapko guidance milne wali hai khud IAS officer se, IPS IFS officer se. अगर आपको आपकी रैंक 50 के बाद आती है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 25% टू 100%। अनअकैडमी के फिजिकल नोट्स भी मिलेंगे और आप यू कैन स्टैंड अ चांस टू विन मैकबुक, आईफोन, आईपैड, एयरपॉड्स एटसेट्रा।
So I have given you the link how to enroll. Just click on the link. You should have Unacademy app in your mobile phone, right? Without that, it will be tough for you to enroll. So please download the Unacademy's learning app, and then after registering on the app, you can click on the link and enroll for free. Okay? लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ इसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट यू नो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का जो हमको पढ़ना है. दैट इनिशिएटिव इज नोन एज संवेदना. नाउ विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रन अफेक्टेड ड्यूरिंग COVID-19 पैंडेमिक द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इट इज प्रोवाइडिंग टेली काउंसलिंग टू चिल्ड्रन थ्रू संवेदना. नाउ वॉट इज संवेदना? संवेदना मतलब सेंसिटिव होना किसी सिचुएशन को लेकर. Sensitizing action on mental health vulnerability through emotional development and necessary acceptance. This is Samvedana. इस Samvedana platform के through telecounseling मिलेगी बच्चों को, ठीक है, आप NCPCR के द्वारा. Now there are constitutional protections also which are given to each of the children in the country. Article 21, right to live. It is not just a physical right. It is also right to live with human dignity. पूरी इज्जत के साथ रहना, सिर्फ जीना नहीं, इज्जत के साथ जीना, ये राइट दिया हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने. आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर. आर्टिकल 24, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 इयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन. आर्टिकल 39, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट. फर्स्ट, टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन नॉट अब्यूज्ड, शुड नॉट बी अब्यूज्ड. चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर. आर्टिकल 45, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर 0-6 के एज ग्रुप के बच्चों को. दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस. नाउ प्लीज मेक अ चार्ट ऑफ इट एंड रिमेंबर देम फ्रॉम फॉर प्रीलिम्स. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, कोविड लीव्स ऑर्फन चिल्ड्रन वल्नरेबल टू ट्रैफिकिंग. आई होप आपको पता चला होगा कि कितनी गंभीर सिचुएशन है इस वक्त कंट्री में, सिर्फ हेल्थ या मेडिकल ग्राउंड्स पे नहीं, मोरालिटी के ग्राउंड्स पे भी. अगर आपको लगता है ऐसा कुछ हो रहा है आसपास, तो प्लीज रिपोर्ट कीजिएगा यू नो डिपार्टमेंट को, एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट को, जो मैंने आपको बताया. ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप दिस सेशन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेशन वेल एंड यू वर अवेयर अबाउट आवर राइट्स ऑल्सो. थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे अहेड.